डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेसिकली हम लोग मैट्राइसिस में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, तो पहले ही जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, सपोज कीजिए क्या है कोई मैट्रिक्स ए, तो जैसे ही हम मान लीजिए कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3 बाई 2 का मैट्रिक्स हो गया, 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इसी का यदि हम ट्रांसपोज निकाल दें ए डैश, ठीक है ना, तो कॉलम हमारा रो में चले जाता है, 1, 4, 7, 2, 5, 8। मतलब क्या हो गया, जो 3 बाई 2 था वो 2 बाई 3 हो गया कि नहीं। मतलब यहाँ ए बी डैश यदि है, ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो एक तो चीज़ ध्यान रखिए कि बी डैश ए डैश ये होगा और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश, ठीक ना। तो ट्रांसपोज ऑफ एम इंटू एन मैट्रिक्स यदि हो, एम इंटू एन मैट्रिक्स हो, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम मैट्रिक्स हो जाएगा। आल्सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कॉन्साइड विथ इट्स सेल्फ, दैट मीन्स कि ए डैश पे फिर ए डैश पर एक बार और डैश चढ़ा दें, ये क्या हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विल बी अगेन, इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक ना। अब ये एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारे लॉ जो है ये आपका क्या कहते हैं, ट्रांसपोज फॉलो करता है, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स ए है आपका, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए माइनस ए डैश, देखिए इसी के बराबर आएगा कि नहीं। इस तरह से रूल्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और रूल्स लगा करके कहने का मतलब कि एस्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको फॉलो करता है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखाएं कि कोई कहता है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक ना। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम एक दिखाते हैं कि सपोज कर लीजिए ये क्या है, 4, 2, -3 मान लेते हैं, ये 1, 3, -6 है, और ये क्या है, -5, 0 और -7 है, ठीक है। और यहाँ पर ए डैश कितना हो जाएगा, 4, 2, -3, 1, 3, -6, -5, 0 और -7, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो क्या होगा देखिए, तो 4, 4, 8, 2, 1, 3, -3, -5, -8, फिर 1, 2, 3, 3, 3, 6, -6, 0, -6, -5, -3 कितना हो जाएगा, -8, 0, 6, -6, -7, -7, -14, सही है। अब a माइनस ए डैश निकाल करके देखिए, a माइनस ए डैश, ठीक ना, 0, 4, -4, 0, 2, -1, 1, -3, -5 क्या हो जाएगा, 2, 1, -2, -1, 3, -3, 0, -6, -0, -6, -5, -3 प्लस हो जाएगा, तो -2 और 0 और 6, 0 और -6 क्या हो जाएगा, 6, और -7 और -3 क्या हो जाएगा, 0।
तो ये ए माइनस ए डैश हो गया। अब इसका एक प्रूफ जो हमने दिया था, ए इक्वल टू, अब देखो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश करो। देखो ए प्लस ए डैश वाला है, ठीक है, इसमें हाफ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए तो दिख रहा है फोर और ये थ्री बाई टू और माइनस फोर, इधर थ्री बाई टू थ्री माइनस थ्री और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर और ये माइनस थ्री और माइनस सेवन, ये हो गया एक पार्ट। प्लस इसमें भी हाफ कर देंगे ये क्या हो जाएगा जीरो, वन बाई टू और ये वन माइनस वन बाई टू जीरो माइनस सिक्स बाई टू मतलब थ्री और माइनस वन और ये थ्री और ये जीरो, ठीक है हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा फोर और थ्री और वन क्या हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू टू और माइनस फोर और वन माइनस थ्री और इधर भी वन फिर इधर थ्री और माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री और माइनस फोर और माइनस वन माइनस फाइव ये जीरो और माइनस सेवन। और देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, इसको अच्छे से देखिए और ये ए आपका निकला और ये एक ए दिया हुआ था, तो देखिए यही चीज़ जो है आपका ये चीज़, ठीक है ना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है कि नहीं, कैसे बराबर हुआ, इस लॉ से बराबर हुआ, ठीक है। दीज आर दी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का। उसके बाद थोड़ा सा एडजॉइंट देखिए, क्या एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका हम निकालते हैं क्या क्या निकालते हैं डिटर्मिनांट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए का आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनांट क्या होगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, अब इनका को फैक्टर्स निकालेंगे। को फैक्टर्स क्या होगा, जैसे आपका ए वन का फैक्टर क्या होगा, को फैक्टर यहाँ देखिए बता रहे हैं आपको, ए वन का यहाँ पर आप निकालेंगे ए वन का को फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी टू सी टू बी थ्री सी थ्री, जिसका को फैक्टर निकालते हैं उसका रो और कॉलम को उड़ा देते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ से बी वन का निकालेंगे, बी वन का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये और ये उड़ गया तो बचा क्या आपका यहाँ पर ए टू ए थ्री सी टू सी थ्री सी टू सी थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सबका निकालेंगे को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स जब आप निकालते हैं तो मतलब क्या, आप जितना उसका वैल्यू निकाल लेते हैं और जो भी आप इसका निकालेंगे ना, मान लीजिए कि आपका इसका को फैक्टर्स सबका वैल्यू निकाले तो आपका आ गया मान लीजिए ए वन बी वन सी सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री और सी थ्री आ गया कि नहीं, को फैक्टर्स आया। इसको बना लेंगे अब मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका निकाल लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि जो भी आपका मैट्रिक्स दिया है उसके को फैक्टर्स निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, देन यू गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी अभी
कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद आइए, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम यदि लिखना चाहें ना, यदि लिखना चाहें तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है ना। इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दैट मीन्स इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई ए जो है आपका मैट्रिक्स है, देन ए मैट्रिक्स बी, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका एक बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि ए बी और इक्वल टू बी ए जो है आई, दैट मीन्स की इनवर्स, इट्स कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा, मतलब कि ए बी एंड बी आर डिफाइंड एंड इक्वल, आर डिफाइंड एंड इक्वल, ए एंड बी शुड बोथ बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी, इसको अभी हम समझा देंगे और नहीं समझ में आ रहा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और इसको भी हम बताएंगे, और ये भी क्या हो जाता है, वन, दैट मीन्स कि ए और बी बोथ शुड बी नॉन जीरो, ठीक है ना, देन बोथ दैट इज द बोथ द मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि कहीं भी उसमें जीरो वाली चीजें नहीं आएंगी, क्या जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और जब इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स, ठीक ना, ए का इनवर्स निकालेंगे, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है तो इनवर्स ऑफ ए, यही बोलते हैं ना इनवर्स, ठीक ना, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, और ए इनवर्स जब आप निकालेंगे मैट्रिक्स और उसका इनवर्स यदि आप निकालते हैं, ठीक ना, या ए इनवर्स ए, ठीक ना, इसका वैल्यू आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इसको, ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या होता है, निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल अभी कर देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनवर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, अब देखो यहाँ पर आप कि ये जो है, ठीक ना, ये जो है आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोड ऑफ ए है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, और ये एडजॉइंट ऑफ ए अपन ए क्या है, ए इनवर्स, उसकी ए इनवर्स इक्वल टू वन, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो अब इसका आप निकाल करके एक बार देख लो, आप इसका एक बार निकाल करके देख लें, ठीक ना। अब कैसे निकालेंगे, तो ए और एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक ना, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है, मान लीजिए ए वन बी वन सी वन, यहाँ पर ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, है कि नहीं। फिर यहाँ पर इन्हीं का कोफैक्टर्स एडजॉइंट निकालना है, तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स मतलब ए वन ए टू ए थ्री होना चाहिए, लेकिन अब ट्रांसपोज करेंगे तो ए थ्री हो जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री, और सी वन सी टू सी थ्री। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर मोड ऑफ ए जीरो जीरो जीरो, मोड ऑफ ए जीरो
जीरो जीरो मोड ऑफ ए, और इसको आप निकालते हैं तो मोड ऑफ ए यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया यूनिट मैट्रिक्स, क्या कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ठीक है। अब जो है ये चीजें तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन कर देते हैं छोटा सा तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है फाइंड द, बाद बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे ना वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है ठीक ना, और ये मैट्रिक्स क्या है आपका वन वन माइनस टू वन थ्री और माइनस फोर, थ्री माइनस थ्री और इधर फोर, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, अब इसका इन्वर्स निकालना है, क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले पहले इन्वर्स हमको होता क्या है तो ये जान लें, इन्वर्स क्या होता है एडज्वाइंट ऑफ ए अपन मोड ऑफ ए, ये होता है हमारा। तो अब यहाँ पर दो काम करना है हमको, एक तो मोड ऑफ ए निकालना है और एडज्वाइंट ए निकालना है, क्या निकालना है तो देखिए सबसे पहले एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, एडज्वाइंट ऑफ ए सबका फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स, ये देखिए सभी का ये वन लेंगे, को फैक्टर्स होता है तो ये आप निकालेंगे वन का, ये गायब हो गया ये गायब हो गया, तो बचा क्या थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और माइनस ये फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो ऐसे ये वन का निकालेंगे तो देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, ये दिख रहा है देखिएगा, वन का निकालेंगे तो थ्री फोर जा माइनस ट्वेल्व और ये फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस और माइनस तो आएगा ही ट्वेल्व, फिर इस वन का निकालेंगे ये गायब और ये गायब, तो वन फोर जा माइनस फोर, ठीक है ये और ये, फिर ये टू थ्री क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, फिर अब इसके आइए थ्री ये और ये गायब, तो बचेगा क्या वन फोर माइनस फोर और माइनस फोर और माइनस की जगह ये माइनस तो मतलब प्लस सिक्स, ये आ गया। फिर यहाँ पर कीजिए वन के जगह पर ये वन हटाएंगे, ये गायब तो क्या बचेगा माइनस फोर और माइनस प्लस ट्वेल्व, माइनस फोर और प्लस ट्वेल्व, यहाँ पर थ्री के जगह पर क्या आएगा, ठीक है ये गायब और ये गायब, तो वन फोर माइनस फोर और माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस थ्री की जगह पर ये गायब और ये गायब, तो ये माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस टू, माइनस फोर प्लस टू, देखते जाइए कैसे सब एक एक करके आ रहा है। अच्छा और एक माइनस वाला तो और था कॉन्सेप्ट, माइनस वाला एक कॉन्सेप्ट और जाएगा, वो छूट रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना, देखिए ये माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व तो सही है, ये वन करेंगे तो दिस और दिस, तो ये क्या हो जाएगा फोर और थ्री, सही है। अब ये टू का करेंगे तो दिस और दिस गायब, तो क्या बचेगा माइनस थ्री और माइनस नाइन, ठीक है। फिर फोर का करेंगे तो ये गायब और ये गायब, ये गायब और ये गायब, तो माइनस थ्री और माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा फोर, ये गायब ये गायब, तो थ्री और माइनस वन, ठीक है थ्री और माइनस वन। तो इस तरह से अब आप क्या निकालेंगे आपका, देखिए यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, माइनस 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 ट्वेंटी फोर माइनस
टेन और ये प्लस टू सीधा लिखें और ये कितना हो जाएगा फोर मतलब एट और ये फोर सिक्स कितना हो जाएगा टू और ये माइनस टू और यहाँ पर माइनस ट्वेल्व और माइनस थ्री माइनस सिक्स और ये टू। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है ना। ये को फैक्टर्स आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं को फैक्टर्स ऑफ ए। अब ये इस ए का जो है ट्रांसपोज निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए को फैक्टर्स के मतलब ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर माइनस टेन और टू, यहाँ पर क्या आ गया एट टू माइनस टू और ये माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स और टू, ये आ गया आपका क्या एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, ठीक ना। अब मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए क्या होगा बताइए, यहाँ पर ये वन इंटू सिमिलरली थ्री फोर जा माइनस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और माइनस वन, ये वन का ये गायब तो माइनस फोर और माइनस सिक्स और प्लस थ्री दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएगा माइनस फोर और माइनस प्लस सिक्स और माइनस ट्वेंटी फोर, देखिए ध्यान दीजिएगा और ये प्लस टेन हो जाएगा और ये सिक्स में फोर गया टू, टू थ्री जा सिक्स प्लस सिक्स तो ये सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर कितना आ गया माइनस एट। मोड ऑफ ए लिया है तो ये क्या हो जाएगा एट, माइनस हटा देंगे तो अब देखिए अब हम यहाँ ए इन्वर्स निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन मोड ऑफ ए मतलब कि वन बाई एट तो इधर आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था बताइए, बड़ी मेहनत से निकाले हैं देखिए यहाँ पर ये ट्वेंटी फोर माइनस में एट माइनस ट्वेल्व माइनस टेन टू माइनस सिक्स टू माइनस टू एंड टू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, इस एट को अंदर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे ही इसको अंदर ले जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा देखिए, ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फिर ये वन फिर माइनस ट्वेल्व बाई एट, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप माइनस टेन बाई एट टू बाई एट का आ जाएगा तो वन बाई फोर हो जाएगा माइनस सिक्स बाई एट मतलब माइनस थ्री बाई फोर और यहाँ पर टू बाई एट मतलब वन बाई फोर या माइनस वन बाई फोर वन बाई फोर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका आंसर इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए जनरली एग्जाम में भी पूछता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कंपिटेटिव एग्जाम में भी, लेकिन कंपिटेटिव एग्जाम में इसमें थोड़ा ट्रिक लगा देता है, ध्यान रखिएगा कंपिटेटिव एग्जाम में क्या कर देता है इसमें ट्रिक लगा देता है। तो ट्रिक लगाने से क्या हो जाता है कि ट्रिक यदि याद हो आपको तो एक सेकेंड में बन जाएगा, नहीं याद हो तो फिर बहुत लंबा मेहनत मतलब कि टाइम किल होता है, ठीक है। आई होप कि आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर दिए तो ट्रांसपोज निकल गया। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा, को फैक्टर सभी का निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, को फैक्टर्स के ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एडजॉइंट, और इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट जिसका निकालेंगे डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो ये सब हमने निकाल करके और आपको हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बता दिया, ठीक है, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिए कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% मैं सिक्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।